दिग्विजय तिलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता। और चलिए शुरुआत करते हैं प्रदेश 360 की, जहां यूपी से खबर है। यूपी उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल नई दिल्ली में होनी है। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक होनी है। इस बैठक में तमाम राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ विधानसभा चुनाव पर विशेष चर्चा होनी है। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, सीतारमन और 124 सदस्य दिल्ली में मौजूद रहेंगे। वहीं तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और देश भर के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य पदाधिकारी करीब 36 जगहों से वर्चुअली इस बैठक में हिस्सा लेंगे। यूपी की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली जा रहे हैं, जबकि यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ महामंत्री सुनील बंसल लखनऊ पार्टी दफ्तर से इस बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, दारा सिंह चौहान हैं, वो तमाम मंत्री जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो भी पार्टी मुख्यालय से ही इस बैठक का हिस्सा होंगे। सुबह 10 बजे बड़े नेता वर्चुअली इस बैठक में शामिल होने के लिए लखनऊ में भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे। तो दिल्ली का ये बुलावा है और इसके तहत 10 बजे वर्चुअली तमाम पदाधिकारी इस बैठक में जुड़ेंगे। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री की बात करें तो वो खुद दिल्ली मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा और औरैया का दौरा किया। इन दोनों जगहों को जनता को करोड़ों की सौगात दी गई। पहली तस्वीर औरैया की है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने 389 करोड़ की 12 से ज्यादा परियोजनाओं की सौगात दी यहां के लोगों को। सीएम ने 280 करोड़ की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। दूसरी तस्वीर इटावा की है, जहां सीएम योगी ने फीता काटकर सेंट्रल जेल का शुभारंभ किया है, साथ ही दूसरे विकास कामों का लोकार्पण किया है। सीएम योगी ने इटावा में 454 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इसके साथ 21 दूसरी योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। मोहम्मद अली जिन्ना, इस नाम को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर पिछले दिनों जिन्ना पर दिए गए बयान पर कायम रहते हुए कहा कि लोगों को दोबारा किताब पढ़नी चाहिए। वहीं सीएम ने अखिलेश यादव पर वार करते हुए कहा कि महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना की ही नहीं जा सकती है। सीएम योगी ने कहा कि ऐसा बयान देने वाले लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है, जो जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से कर सकते हैं। जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, अगर आप एक बार क्लियर नहीं क्यों करें कॉन्टेक्स्ट। मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए लोगों को। एक दल के नेता ने पिछले दिनों एक वक्तव्य जारी किया था, और वक्तव्य क्या जारी किया था, यानी भारत की अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल की तुलना देश तोड़क जिन्ना से करने का कुत्सित प्रयास किया था। इस प्रकार के शर्मनाक और निंदनीय बयानों को पूरे प्रदेश को खारिज करना चाहिए। हमें ऐसे तत्वों के उन मंसूबों को समझना होगा। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। सरदार पटेल राष्ट्रनायक हैं, लेकिन भाइयों बहनों, जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। जो लोग ये तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें उनके प्रति सतर्क रहना होगा। महंगाई के मुद्दे, खासकर पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भी सियासी उबाल है, चरम पर है सियासत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भाजपा सरकार ने जनता को महंगाई से राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जबकि पिछली सरकारें क्या करती थी सभी जानते हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अब ये सरकार डीजल पेट्रोल के दाम जीरो भी करते तो भी यूपी की जनता भाजपा का सफाया कर देगी। अखिलेश ने यह भी कह दिया कि उपचुनाव हारते ही पेट्रोल डीजल के दाम नजर आने लगे। 12 रुपए हम लोग कटौती करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा कितनी राहत मिली है।
डीजल और पेट्रोल के दाम घटाने से क्या राहत मिली है, सभी लोग खुश हैं, महंगाई इससे नियंत्रित होगी, आम जनता को राहत मिलेगी। डीजल आम उपभोक्ता के साथ साथ किसानों के लिए इससे भारी राहत मिलेगी। और भाइयों बहनों, पेट्रोल हमारे युवाओं के साथ साथ नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनकी बाइक के लिए, स्कूटर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और भाइयों बहनों, 12 रुपये कभी आपने सुना था 12 रुपये की कमी हो रही है, लेकिन पहली बार ये भी कमी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि कुछ पैसे कम कर दें तो जनता उनके साथ खड़ी हो जाएगी। समाजवादियों का मानना है कि अगर ये डीजल पेट्रोल जीरो भी कर देंगे तब भी उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें सफाया कर करके इनकी गिनती हो सकता है न जाने कहां पहुंचा दे। और चुनाव जैसे करीब आया, चुनाव जैसे ही हारे, पेट्रोल की तरफ देखने लगे, डीजल की तरफ देखने लगे। अभी सिलेंडर नजर नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी को, सोचो लाल रंग का सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आ रहा, उसकी कीमत कहां पहुंचा दी। और उधर माफिया पर कार्रवाई को लेकर सीएम योगी ने कहा, पहले तो होड़ लगा करती थी माफिया को गले लगाकर राजनीतिक रोटी से की जाए, लेकिन अब माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता है, तो माफिया को शरण देने वालों पर भी अब बुलडोजर का डर रहता है। वहीं अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के दावों पर सवाल उठा दिए। अखिलेश ने कहा कि भू माफिया से छीनी गई जमीन कहाँ है, इसे सरकार को बताना चाहिए। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को इसे किसी वेबसाइट पर डालना भी चाहिए। पहले पेशेवर अपराधी और माफिया, गरीब का, व्यापारी का, बेटियों और बहनों का जीना हराम कर देते थे, और आज आप देख रहे होंगे अब तो पहले होड़ लगती थी इस बात को लेकर के किन माफियाओं को कौन कितना अपने गले में लगा करके इनके माध्यम से राजनीतिक रोटी सेंकी जाए। आज सबको मालूम है अगर माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो माफिया के शरणदाताओं के ऊपर भी जरूर चलेगा। ये सरकार जो दावा करती थी कि भू माफियाओं से जमीन छीन ली, कम से कम आपको तो बता दें, हमारे पत्रकार साथियों को बता दें कि जो जमीन भू माफियाओं से छीनी गई वो जमीन कहाँ है, किसी वेबसाइट पर डाल दें, जनता देखना चाहे तो देख ले। तो वहीं सीएम योगी ने दंगा और गुंडागर्दी को लेकर कहा कि 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ है, और जिसने भी दंगा करने की कोशिश की है उसकी 7 पीढ़ियां भी पूर्ति नहीं कर पाएंगी, इतनी वसूली होगी। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे, लेकिन आपने 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा प्रदेश में 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, और जिसने दंगा करने का प्रयास किया उसको 2 टुक बता दिया कि भैया दंगा करोगे तो इसके बाद क्या होने जा रहा है, 7 पीढ़ियों का लिख के छोड़ जाइए, क्योंकि वे 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन ये पूर्ति नहीं कर पाओगे। यूपी के बेसिक शिक्षा परिषदी की पहल से 8वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। इसका फायदा प्रदेश के 1,80,00,000 स्टूडेंट्स को हुआ है। सरकार की ओर से स्टूडेंट्स के जो अभिभावक हैं उनके बैंक खातों में यूनिफॉर्म के लिए पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। ये पैसा स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और स्वेटर खरीदने के लिए है। हर एक स्टूडेंट के अभिभावक के खाते में 1,100 रुपये भेजे जाएंगे। इसी दौरान सीएम योगी ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार के समय सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हुआ है, जबकि 2017 से पहले सरकारी स्कूलों की हालत अच्छी नहीं थी। योगी सरकार ये भी कहती है कि हमारी सरकार में बच्चे स्कूल ड्रेस में जाते हैं, यूपी में स्कूल चलो अभियान सफल रहा है। एक करोड़ 20 लाख से अधिक बच्चों में के पास डीबीटी के माध्यम से 1,100 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में, उनके बच्चों के माता पिता या लीगल अभिभावक के खाते में सीधे भेजी जा रही है। शेष जो बच्चे हैं
लगभग 60 लाख बच्चे, इन सभी बच्चों के अभिभावकों के भी बैंक अकाउंट के सत्यापन की कार्रवाई, आधार से उसे लिंक करने की कार्रवाई ये प्रचलित है और मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र इस धनराशि को भी हम उनके बैंक अकाउंट में भेजने में हमें सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि भारत सरकार के द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए जो 17-18 में जो लागू 70 इंडिकेटर्स का जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स थे, वह जिसमें उत्तर प्रदेश पहले पीछे हुआ करता था, बहुत पीछे हुआ करता था, लेकिन 17-18 में लागू हुआ और तीसरे वर्ष उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर एक पर आ जाता है। यानी जो परिवर्तन हुए हैं, परिवर्तन का परिणाम है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कल अंबेडकर नगर का दौरा करेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव भानमती स्मारक पीजी कॉलेज में आयोजित जनादेश रैली को भी संबोधित करेंगे। इसे कामयाब बनाने के लिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। ये कार्यक्रम इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ बसपा से निष्कासित विधायक राम अचल राजभर और लालजी वर्मा अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा का दामन थामेंगे। आपको बता दें, दोनों नेता पूर्वांचल के कद्दावर नेता माने जाते हैं। उनके सपा में शामिल होने पर बेशक सपा की ताकत बढ़ेगी। वहीं शामली में कल राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी परिवर्तन संदेश रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि रैली कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के गढ़ में की जा रही है, जो गन्ना मंत्री हैं। राष्ट्रीय लोक दल यहां गन्ना के मुद्दे पर उन्हें घेरने की कोशिश करेगी। पार्टी इस रैली की पूरी तैयारी कर चुकी है। उत्तराखंड में चार धामों के कपाट बंद होने का सिलसिला जारी है। सुबह 8 बजे के जहां केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए, तो ठीक दोपहर 12:15 पर यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। ये भी जान लीजिए कि गंगोत्री धाम के कपाट दिवाली वाले दिन 4 नवंबर को ही बंद किए गए थे, तो बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को बंद किए जाएंगे। बाबा केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट भैया दूज के मौके पर मंत्रोच्चार के बीच शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। केदारनाथ धाम के भी कपाट विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। सुबह 8 बजे केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए। सेना के बैंड की भक्तिमय धुन के साथ बाबा केदार की डोली ने मंदिर की परिक्रमा की। शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ के लिए ये रवाना हुई। केदारनाथ बाबा की पंचमुखी विग्रह मूर्ति अलग अलग पड़ावों से होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में विराजमान होगी। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में इस वक्त चारों ओर बर्फ ही बर्फ है और मौसम बेहद ठंडा है। केदार के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में तीर्थयात्री, देवस्थान बोर्ड से जुड़े लोग, जिला प्रशासन, तीर्थ पुरोहित, हक्को हुकूकधारी मौजूद रहे। ये भी बताएं कि इस बार करीब 4.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री चार धाम यात्रा पर पहुंचे हैं, जिनमें से 2,40,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने भगवान केदार के दर्शन किए हैं।